जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब करें, रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर। और आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, 1 रुपये का नोट है तो अभी नया नहीं है मेरे पास में, ये पुराना नोट है। आज मैं आपको एक टेक्निक बताने के लिए आई हूँ। हमारे जीवन के अंदर पैसे संबंधित किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, अगर हम इसको पिरामिड की शेप में लेकर के आते हैं, आपने देखा होगा जितने गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, वो एक गुंबद की शेप के अंदर है। जब हम गुंबद के नीचे बैठ कर के पूजा करते हैं तो वो बहुत 100 टाइम जो है, 1000 टाइम, लाखों टाइम जो है ना, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि आकाश पिता है और धरती जो है हमारी माँ है। तो जब ये दोनों एनर्जियाँ मिलती हैं तभी हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपने 1 रुपये का नोट लेना है। ये देखिए, आप मेरे हाथ में 1 रुपये का नोट है, इसको बीच में से आपने फोल्ड करना है इस तरीके से, ऐसे किया। फिर उसके बाद में आपने इनको, एक को इसके साथ में अटैच किया, इसको इसके साथ में अटैच किया, ऐसे आपने, ये इस तरीके से बन गया है। इसको फिर आपने ऐसे करके फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ये बन गया पिरामिड की शेप, ठीक है। अब आपने जो भी आपकी विश है यूनिवर्स तक भेजनी है, और यूनिवर्स का एक असूल है कि जो तू देगा वही तेरे को रिटर्न में वापस आ जाएगा। अब आपने इसको सीधे उल्टे हाथ में इस नोट को ऐसे रखना है और राइट हैंड को इसके ऊपर रखना है, और आपने प्रार्थना क्या करनी है, 108 बारी दिन प्रतिदिन हर तरफ से मैं स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा हूँ, दिन प्रतिदिन हर तरफ से मैं धनी और धनी होता जा रहा हूँ। ये आपने कंटिन्यू बोलना है, दिन प्रतिदिन हर तरफ से मैं धनी और धनी होता जा रहा हूँ। इस नोट को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, इसको आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। ये आपने 60 डेज करना है, 60 डेज कंटिन्यू, और एक ही समय होना चाहिए, जिस समय आप पूजा करें उस समय करिए। आप कोशिश करिए कि या तो दोपहर में करें, या सुबह करें, या फिर रात में करें, एक नियम बना लीजिए, क्योंकि भगवान भी नियम के पाबंद हैं। अगर हम जीवन के अंदर नियम से कोई काम करते हैं तो उसका हमारे को प्रताप बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही मैंने, आपने देखा मैंने जो बोला है, दिन प्रतिदिन मैं हर तरफ से धनी और धनी होता जा रहा हूँ, इसका मतलब है पैसा आ जाए अगर शरीर ना चले तो उससे क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हमारे को हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए और सक्सेस भी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।